रेल बोर्ड द्वारा गठित यात्री सेवा समिति के 3 सदस्यीय टीम मंगलवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन पहुंची। टीम में मुख्य सदस्य गुरविंदर सिंह सेट्टी के साथ आसनसोल रेल डिवीजन सहायक वाणिज्य प्रबंधक मनोज तिवारी भी मौजूद थे। इस दौरान टीम ने पूरे स्टेशन परिसर का जायजा लिया, स्टेशन के बाथरूम का निरीक्षण किया तो बाथरूम साफ और स्वच्छ दिखा। नवनिर्मित रिटर्निंग रूम के साथ वेटिंग रूम की हालत से भी सेवा समिति के सदस्य संतुष्ट दिखे। करीब 1 घंटे के निरीक्षण के दौरान सदस्यों ने स्टेशन प्रबंधक को पूरे स्टेशन की समुचित सफाई का सुझाव दिया, साथ ही स्टेशन के बिल्डिंगों को सफाई करने की बात कही। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान सदस्य गुरविंदर सिंह सेट्ठी ने कहा कि पीएम मोदी का सपना बस एक ही है कि हर एक व्यक्ति रेल का सफर कर सके और उसे हर सुविधा मिले। इसके लिए पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री खुद भी प्रयासरत हैं। रेल सेवा समिति के सदस्य ने बातचीत के क्रम में कहा कि अभी जो हालात गिरिडीह स्टेशन के हैं वो काफी बेहतर हैं। इसके बाद भी इसमें और बेहतर करने का सुझाव आता है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। मौके पर स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार बर्णवाल और पूर्व जदयू नेता गुरुभेद सिंह कालरा भी मौजूद थे। वो 6 सालों से बंद है सर, और हमेशा जब भी DRM आते हैं या उनके और अधिकारी आते हैं तो हमेशा ये आश्वासन मिलता है कि इस व्यवस्थाओं को देखते हैं, लेकिन ये काम तो रेलवे बोर्ड का होता है ना। वहाँ से देखिए क्या है ना, ट्रेनों का चलाना ठहराव कराना एक रेलवे बोर्ड की कमेटी रहती है, वो देखती है किस स्टेशन से कितना रेवेन्यू आता है, कितना पैसेंजर का फुटफॉल होता है, ये सारे विषय को देखा जाता है। फिर भी आप लोग का जो सुझाव है और हम एक लोग ज्ञापन दे दें, हम रेलवे बोर्ड की बैठक में रख के इसको ठीक करवाएं। एक सवाल ये भी है सर कि जो पैसेंजर ट्रेन गिरिडीह टू मधुपुर के लिए चलता है उसमें दो राउंड के ट्रेन में RPF सुरक्षा पर्याप्त नहीं रहता, और उस वक्त जो देर शाम रात लास्ट ट्रेन जो रहता है चलती ट्रेन में RPF आप लोग रखते हैं? ये सर रहता है, कभी कभी सर जैसे मजिस्ट्रेट साहब सीटिंग ज़्यादा पड़ रही है सर, तो सर मतलब मजिस्ट्रेट साहब डिमांड कर रहे हैं स्टाफ शॉर्ट होने की वजह से कभी वो ट्रेन कितने सर अपने अधिकारी से आती है? रात लास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लास्ट फेरे वाली बात 10 बजे कितना जी जी 10 ये तो SM साहब ही बता रहे हैं। जनरल बोगी से लेकर रिजर्वेशन बोगी तक में RPF का सुरक्षा व्यवस्था कहीं से नजर नहीं आता। वो तो रनिंग में अलग तरीके से हर स्टेशन होता है, लेकिन यहाँ जो ठहराव है यहाँ पर हम सुरक्षा देंगे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। यात्रियों की सुरक्षा करना भारतीय रेल की जिम्मेवारी है। किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो हम उसकी जिम्मेवारी लेकर उसका निवारण करेंगे, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम पहले से तक